गोरखपुर पहुंचे राहुल गांधी ने पहले ऑक्सीजन कांड में हुई मासूमों की मौत के बाद उनके परिजनों से मुलाकात की और उसके बाद स्थानीय होटल में एक मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिन परिवारों की बच्चों की मौत हुई है उनका दर्द मैं बांटने आया हूं। इन परिवारों से बात की तो पता चला कि मासूमों की मौत ऑक्सीजन की कमी से ही हुई है। सुनिए आगे राहुल गांधी ने क्या कहा। हमारा प्लान था, अस्पताल जाने का प्लान था और आपसे हमें वहाँ मिलना था, मगर वो हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि काफ़ी लोगों ने हमें कहा कि जब चीफ मिनिस्टर अस्पताल गए थे तो काफ़ी कष्ट हुआ था लोगों को, बच्चों की भी मृत्यु हुई, इसलिए हमने सोचा कि हम अस्पताल ना जाएं। हमारा सबसे पहले जिन परिवारों में बच्चे मरे हैं उनके दर्द को समझने और बांटने में यहाँ आया। काफ़ी परिवारों से बात हुई और सब लोगों ने ये कहा कि ऑक्सीजन की कमी के कारण उनके बच्चों की मृत्यु हुई है। काफ़ी परिवारों को पंप दिया गया, उन्होंने घंटे पंप चलाया, अंबू बैग चलाया और ये काफ़ी क्लियर है कि ये गवर्नमेंट मेड ट्रेजेडी है। मैं पहले आया था इस अस्पताल में और आपसे बात करते हुए, प्रेस से बात करते हुए मैंने कहा था, मोदी जी से कहा था कि मोदी जी इस अस्पताल में पैसे की ज़रूरत है, बहुत कमियां हैं अस्पताल में और कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब सरकार को एक्शन लेना चाहिए, कवर अप करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल क्लियर है कि ऑक्सीजन की कमी लापरवाही के कारण ये हुआ है, तो चीफ मिनिस्टर को कवर अप करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और एक्शन होना चाहिए लोगों को। ये मेरा मैसेज है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी बात, आपने, प्रेस ने पहली बार ये मुद्दा काफ़ी ज़ोरों से उठाया है तो मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये एक सिर्फ ये यूपी का मामला नहीं है, ये नेशनल ट्रेजेडी है और ये एक प्रकार हिंदुस्तान का जो आज हेल्थ केयर सिस्टम है उसका एक चिन्ह है और इस प्रकार से काम नहीं किया जा सकता है। मोदी जी न्यू इंडिया की बात करते हैं, ऐसा न्यू इंडिया हमें नहीं चाहिए। हमें वो इंडिया चाहिए, वो हिंदुस्तान चाहिए जिसमें अस्पताल चलें और जिसमें लोग, गरीब लोग अपने बच्चों को अस्पताल में ले जाएं और खुशी से लौटें, वैसा इंडिया चाहिए। ये न्यू इंडिया हमें नहीं चाहिए। धन्यवाद। SPN 9 न्यूज़ के लिए गोरखपुर से रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट।